बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल किचन विद तंजीला। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी वेजिटेबल नूडल्स। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वेजिटेबल नूडल्स बनाने के लिए जो चीजें मैं रिक्वायर है वो ये हैं। एक शिमला मिर्च लिया है जिसको मैंने स्लाइस में कटिंग कर लिया है। एक अनियन लिया है। एक कैरेट लिया है इसको मैंने स्लाइस में कटिंग कर लिया है। सोया सॉस लिया है 1 टेबल स्पून। थोड़े से मटर के दाने लिए हैं जिसको मैंने बॉईल कर लिया है। दो पीस लिए हैं गार्लिक के, इसको मैंने चॉप कर लिया है। एक ग्रीन चिली लिया, इसको मैंने चॉप कर लिया है। मैगी मसाला लिया है 2 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून हमने केचप लिया है। 3 पैकेट हम ले रहे हैं मैगी के। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम अपनी मैगी को 90% तक बॉईल कर लेंगे। तो एक पैन लिया है हमने, इसमें हमने खुला पानी डाल दिया है। पानी को जोश आ रहा है, अब इसमें अपनी मैगी डाल देंगे। साथ ही इसमें हम 1/2 टेबल स्पून के करीब हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे और इसको बॉयल कर लेंगे। हमारे नूडल्स 90% कुक हो गए हैं। अब हम इसको स्टेन कर लेंगे। हमने अपने नूडल्स को स्टेन कर लिया है। स्टेन करने के बाद हमने इसके ऊपर ठंडा पानी बहा दिया है। अब इसको एक प्लेट पे निकाल लिया है। एक पैन लिया है हमने, इसमें हमने 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा गार्लिक को सोटे कर लेंगे। हल्का सा गार्लिक को फ्राई करेंगे। गार्लिक को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें अपने अनियन ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे। इसको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। 40 सेकंड्स इसको फ्राई करने के बाद हम इसमें अपनी कैरेट से डाल देंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको हम तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक कुक करेंगे। अब हम इसमें अपनी ग्रीन चिली भी डाल देंगे, कैप्सिकम, टमाटर भी डाल देंगे। सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मटर, थोड़ा सा कुक करने के बाद हम इसमें तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून के करीब ही हम नमक डाल देंगे। मिक्स करेंगे अब इसको भी 1 मिनट फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें सोया सॉस ऐड कर देंगे। मैगी मसाला भी थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे, इसको पहले मिक्स कर लेंगे। मक्खी का भी डाल देंगे। वेजिटेबल्स में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। केचप ऐड करेंगे इसमें। मिक्स करेंगे। थोड़ा सा कुक करने के बाद हम इसमें अपने नूडल्स ऐड कर देंगे। अब हम इसमें अपने नूडल्स ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
फिर आप इसको डिश आउट करेंगे। मैगी हमारी रेडी है, फ्लेम को ऑफ कर देंगे, उसको डिश आउट करेंगे। हमारे वेजिटेबल नूडल्स रेडी हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, इसको फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।